पांच दिनों से लापता राप्ती नगर निवासी एवं जिला सिद्धार्थ नगर में पोस्टेड लेखपाल दुर्गेश कुमार अस्थाना पुत्र दिनेश्वर प्रसाद अस्थाना का शव बुधवार को मानीराम के पास रोहिणी नदी में तैरती हुई मिली। स्थानीय नागरिकों के अनुसार पानी में तैरते ही शव पर नजर पड़ी। तत्काल 100 नंबर पर सूचना देने पर मुकामी पुलिस पहुंची। जानकारी के अनुसार शव की शिनाख्त दुर्गेश कुमार अस्थाना के रूप में हुई है। आपको बताते चले कि मृतक दुर्गेश कुमार अस्थाना जिला सिद्धार्थ नगर में लेखपाल थे, जिसकी पोस्टिंग उसका बाजार में हुई थी। विगत 10 नवंबर को भाई दूज वाले दिन दुर्गेश अस्थाना घर वालों को बोलकर कि कुछ काम से मानीराम जाएगा। जानकारी के अनुसार दुर्गेश के बड़े भाई करुणेश कुमार अस्थाना दुर्गेश को बरगदवा चौक पर मानीराम जाने वाले ऑटो पर बैठाकर वापस अपने घर आ गया। करुणेश के घर आने के बाद दुर्गेश ने मानीराम पहुंचकर भाई को फोन पर सूचना भी दी थी कि काम खत्म करके रात के 8 बजे तक घर आ जाएगा। जब समयानुसार दुर्गेश घर नहीं पहुंचा तब खोजबीन शुरू हुई। किसी अनहोनी की आशंका होने के कारण परिवारजनों ने तत्काल गुमशुदगी की रिपोर्ट शाहपुर थाने में दर्ज करवाई थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी कि 5 दिनों के बाद आज मानीराम रोहिणी नदी पर पानी में तैरते शव को ग्रामीणों ने देखा, जिसका तत्काल 100 नंबर पर सूचना दी गई। मौके पर मुकामी पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है।